हेलो व्हाट इज़ अप गाइस, दिस इज सिद्धार्थ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप डार्क वेब को सबसे कम टाइम में कैसे एक्सेस कर सकते हो। इस वीडियो में सिर्फ 2 मिनट के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि डार्क वेब को आप फास्ट तरीके से कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सो सबसे पहले आपने किसी भी क्रोम या फिर किसी भी जो सर्च इंजन होता है उससे डालना है ब्रेव। ओके, सो यहाँ पे जो ब्रेव है BRAV सर्च करना है। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह की विंडो आ जाएगी, उसे ओपन कर लेना। उसके बाद इस ब्रेव ब्राउज़र को डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड ब्रेव ब्राउज़र फॉर 64 बिट। इसे डाउनलोड कर लेने के बाद इसे इंस्टॉल कर लेना है फटाफट। और इंस्टॉल करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की विंडो आ जाएंगी, ठीक है। सो आपने क्या करना है, यहाँ से डाउनलोड करना है, अगर आपको एक्सेस करना है तो आपने इन थ्री डॉट्स को करना है। यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ें आपको बता देता हूँ। सबसे पहले न्यू प्राइवेट विंडो, यानी कि वो विंडो जिसे हम क्रोम में इनकॉग्निटो मोड कहते हैं, ये वही विंडो है जिसके अंदर आपकी हिस्ट्री सेव नहीं होती और जो आप सर्च करते हैं वो कहीं पर भी सेव नहीं होता। एंड कई लोग इनकॉग्निटो मोड को मान लेते हैं कि उसमें कुछ भी सेव नहीं होता, सिर्फ वो आपकी हिस्ट्री नहीं सेव करता, आपके सब कुछ बाकी जो भी चीज़ें हिस्ट्री और कुकिंग नहीं सेव करता, बाकी सब चीज़ें सेव होती है। यानी कि जिस सर्वर से आप एक्सेस कर रहे हो और या फिर जिस नेटवर्क से आप एक्सेस कर रहे हो उसे ये सारी चीज़ें विजिबल होती। सो वो किसी और वीडियो का पार्ट है, उसको हम बाद में देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो आप देख रहे हैं न्यू प्राइवेट विंडो विद टॉर, यस, इसके साथ हमें काम है, इसको ओपन कर लेना। कुछ इस टाइप की विंडो आपके यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। मैं अभी एक साइट की जो URL है वो मैंने कॉपी कर लिया है, तो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे ओपन। ये देखिए, ये URL होता है जो डॉट ओनियन है। सबसे पहले हम जान लेते हैं 2-3 चीज़ें। फर्स्ट, आपका इंटरनेट कनेक्शन वो फास्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप फोन से भी कर रहे हो तो एटलीस्ट 1 Mbps मतलब स्पीड चाहिए ही चाहिए। इससे क्या होगा कि जो टॉर होता है उसका भी एक डिफरेंट काइंड ऑफ जो वर्किंग का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है, उसे हम किसी और वीडियो में जानेंगे। सबसे शॉर्ट में बता देता हूँ, आपकी इंटरनेट स्पीड हाई होनी चाहिए, ओके। दूसरी बात, ज़्यादा होनी चाहिए, हाई नहीं, ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि ब्रॉडबैंड है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप नेटवर्क से यूज़ कर सलाह नहीं दी जाती है फ़ोन से एक्सेस करने के डार्क वेब को। लेकिन फिर भी अगर आप एक्सेस कर रहे हो तो वो भी स्पीड से होना चाहिए। नेटवर्क से काफ़ी दिक्कतें आती है, लेकिन ब्रॉडबैंड हो तो कोई दिक्कत नहीं, बेस्ट है। सो सेकंड थिंग कि टॉर जो होता है वो एक काइंड ऑफ ब्राउज़र है। यहाँ पे देखिए, टॉर हाइड्स योर IP एड्रेस फ्रॉम द साइट्स यू विजिट, राउटिंग योर ब्राउज़र थ्रू सेवरल टॉर सर्विस। यहाँ पे जो है सब कुछ चीज़ें बता देते हैं। इसके नीचे इसको ओपन करने के बाद ये जो कनेक्टेड स्टेटस आ जाता है, इसको अगर ये दिख गया तो समझ लीजिए आप अभी टॉर से कनेक्टेड हो चुके हो, ठीक है। और यहाँ पे जो ये डगडगो है, ये इसका जो टॉर पे जो जिसे इंजन कहते हैं वो सर्च इंजन है। डगडगो इज सर्च इंजन फॉर टॉर, ठीक है। तो ऐसे कई सारे सर्च इंजन है जो टॉर पर काम करते हैं, लेकिन डगडगो सबसे सेफेस्ट और ईजी माना जाता है। सो यहाँ पे जो मैंने लिंक पेस्ट कर रखी है उसका जो एक्सटेंशन है, यानी कि जो एंडिंग होती है डॉट ओनियन से होती है, ठीक है। उस एक्सटेंशन से जो डॉट ओनियन की एक्सटेंशन होती है वो टॉर से ओपन की जा सकती है, ठीक है। तो ये बात हो गई, आपको ध्यान में रखनी है। अगर डॉट ओनियन से ओपन हो रहा है तो वो डीप वेब या फिर डार्क वेब की वेबसाइट है। सो यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और यस, दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये आपकी साइट से थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, जो आपकी साइट ओपन होगी ना सरफेस पे, यानी गूगल से सर्च करने के बाद उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा। ओके, सो ये जो है यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, ठीक है। ये जो साइट है ये एक्चुअल में हिडन विकी करके साइट है। सो यहाँ पे मैं ओपन हो चुके हैं, ये साइट डार्क वेब से ही एक्सेस हो सकती है। क्यों? सो यहाँ पे मैंने ये जो URL है ये मैंने कॉपी कर लेता हूँ। ये किया मैंने कॉपी, और अभी जो ये विंडो है इसको मैं क्लोज करूँगा, ओके, ठीक है, या फिर मैं कहूँगा मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। सो यहाँ पे जो सर्चिंग हो रही है, देखिए यहाँ पे जो सर्चिंग हो रही है, यहाँ पे
जो सर्चिंग हो रही है वो गूगल से हो रही है। देखिए गूगल दिख रहा है यहाँ पे लोगों, ठीक है, या फिर मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने गूगल पे डाला, यहाँ पे कर लूंगा मैं पेस्ट, यहाँ पे मैंने किया पेस्ट उसी साइट का, ठीक है, उसी विंडो वही है, यूआरएल आप चेक भी कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। ओके, ये डाला मैंने इस पर। ओके, मैं जैसे ही एंटर करूँगा दिस दिस ये जो यूआरएल है ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, एंड ये जो वेबसाइट ओपन होने वाली है द हिडन विकी। ओके, सो ये जो वेबसाइट है ये डार्क वेब वाली है, वो इस पर ओपन नहीं होगी, ये सिर्फ घूमता रहेगा, बट ये हमें ज़्यादा कुछ ऐसे रिजल्ट दिखाएंगे नहीं। ओके, ये इससे ओपन होने वाली है ही नहीं, सो इसे कर देते हैं बंद। अभी मैं आपको बता देता हूँ कैसे। यहाँ पे डाल दिया मैंने मैं सेम यूआरएल और एंटर मारा, नथिंग। ओके, दिस यूआरएल इज ब्लॉक कर रहा है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ टॉर से एक्सेस हो सकता है, और यही से मैं इसी यूआरएल को यहाँ पे जो आपको बटन दिख रहा है या फिर जिसे हम कहते हैं ओपन इन टॉर, मतलब जो दिख रहा है हमें, उसे दबा कर देखते हैं से। ओके, ये ऑलरेडी प्रीवियसली लोडेड था इसलिए शायद ये दिख गया हमें। इस टाइप से हम अभी वेट करेंगे, इट विल टेक सम टाइम बिकॉज मैं अभी फ़िलहाल 200 Mbps का प्लान यूज़ कर रहा हूँ, फिर भी ये टाइम ले रहा है, मतलब मोबाइल कनेक्शन से आप जान ही ले, मतलब आपको अंदाजा आ गई है, आ ही गया होगा कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। सो गाइज दिस वॉज इट, मैंने बता दिया आपको ये सारी चीज़ें जो है, ठीक है, यहाँ पे दिखाई गई है, यहाँ पे जो सारी चीज़ें होती है। अभी मैं कर देता हूँ इसको बंद। सो दिस वॉज अबाउट हाउ टू एक्सेस डीप वेब फ्रॉम योर पीसी और योर लैपटॉप इजीली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ऐसे ट्यूटोरियल्स के सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट करना ना भूले। थैंक यू।